हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर हम शेयर की आज की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं आज स्टॉक में हल्की सी गिरावट हमें देखने को मिली है। पिछले 5 दिन की बात करें तो पिछले 5 दिन में नेगेटिव -5% के रिटर्न्स हैं। वहीं 1 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं 2.5% डाउन है। 6 मंथ की बात करें 74% के रिटर्न्स। वहीं अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं 1 साल में 573% के जो रिटर्न्स हैं वो कंपनी ने अपने निवेशकों को दिए हैं। अब दोस्तों, काफ़ी दिनों से कुछ साथियों के मैसेजेस आ रहे थे कि आप प्लीज़ मंगलम इंडस्ट्रियल फाइनेंस को कवर करें, इसके बारे में अपडेट दें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करें इस कंपनी की। अभी इस कंपनी में थोड़ी सी मीन्स पिछले 1-1.5 महीने से जिन भी साथियों ने इसमें निवेश किया है वो अभी थोड़े से इसमें परेशान हैं, क्योंकि पिछले 1 मंथ में रिटर्न्स कंपनी नहीं जनरेट कर पा रही है। और हर कोई जब भी किसी शेयर में एंट्री करता है तो वो यही चाहता है कि उस शेयर का प्राइस जो है वो ऊपर जाए और उनके रिटर्न्स बने। बट अभी पिछले 1 महीने से इसमें कोई भी खास गिरावट भी नहीं है। हालांकि अगर इसके 52 वीक हाई से बात करें तो वहाँ से तो अच्छी गिरावट है, बट पिछले 1 महीने में 2.5% ही ये डाउन है। बट जो भी साथियों ने पिछले मीन्स लॉन्ग टर्म में निवेश किया है, 6 महीने की बात कर लें या 1 साल की बात कर लें, 1 साल में तो भयंकर रिटर्न्स इस कंपनी ने कमा कर दिए हैं, तो वो आज भी प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आज अभी मीन्स कुछ साथी इसको लेकर पैनिक में हैं। वो सोच रहे, जिन्होंने हाई लेवल पर बाय किया है वो बोलते हैं कि हम लोग जो हैं लॉस में हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स इस कंपनी के बारे में दिखाना चाहूँगा जिससे देखकर आप भी, आपके माइंड सेट भी ये हो जाएगा कि आपको ये कंपनी बिल्कुल भी लॉस में नहीं बेचनी चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर जैसे मैंने आपको बताया था, अपने हाई से कंपनी नीचे चल रही है। छोटी कंपनी है, माइक्रो कैप ये कंपनी है। इसके अलावा स्टॉक पी काफ़ी हाई है, ये थोड़ा सा एक सिंबल खतरनाक है। इसके अलावा ये चीज़ें ठीक ठाक हमें यहाँ नज़र आ रही हैं। आगे दोस्तों, मेन हम बात कर लेते हैं कंपनी की जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो देख लेते हैं। अगर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में बात करें तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा कंपनी की सेल्स इंप्रूव हुई हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का जंप किया है, नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं कंपनी का पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जंप किया है। बट उसके अगर पहले के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी एक क्वार्टर ऐसा होता था लॉस क्रिएट करती थी, देन एक क्वार्टर में कंपनी प्लस में आती थी। बट अभी पिछले 3 क्वार्टर से जो कंपनी है वो लगातार मींस प्लस में कामकाज करती हुई हमें दिख रही है, नहीं उससे पहले तो प्रॉफिट जो है लॉस में जाता हुआ हमें दिखाई देता था। उसके बाद दोस्तों, अगर सबसे इम्पोर्टेंट आप यहाँ पर स्टार मैं लगाना चाहूँगा, ये जो पॉइंट अभी मैं बताऊँगा आपको, यही वो पॉइंट है जिसकी वजह से मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेशित बने रहना चाहिए। तो दोस्तों, वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए, दिसंबर 2020 में 26.5% जो है हिस्सेदारी प्रमोटर्स की होती थी। जून 2021 में उन्होंने हिस्सेदारी 52% की मीन्स डबल की। उसके बाद अभी जब दिसंबर का डाटा आया था उसमें आप देख सकते हैं कि 52% से सीधा 74 मीन्स 22% का जो जंप है वो प्रमोटर्स ने इसमें माल उठाया है। और वहीं ये जो पब्लिक की होल्डिंग होती थी वो हमें यहाँ कम होती हुई दिखाई दी है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए कोई भी कंपनी होती है तो सबसे पहले जो न्यूज़ होती है मींस कंपनी के अगर फ्यूचर के प्लान्स हैं, जो फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उन सभी के बारे में सबसे अच्छी और सबसे यूनिक और सबसे पहले जो जानकारी है वो प्रमोटर्स के पास होती है, और तभी वो उस स्टॉक में माल उठाते हैं। इस स्टॉक के भी फ्यूचर में अच्छे खासे जो मैनेजमेंट है
वो कंपनी में अच्छा खासा कुछ बड़ा कर सकती है और कंपनी में आने वाले समय में कुछ अच्छा बड़ा होने वाला है। इसी लिए तो मीन्स मार्च 21 और दिसंबर 21 मीन्स 8-9 महीने सिर्फ 3 क्वार्टर के गैप में ही 26% जो होल्डिंग होती थी वो बढ़कर 74.5% हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं सीधा साधा कितना ज़बरदस्त तरीके से प्रमोटर्स ने अपनी इस कंपनी में दबा के माल उठाया है। उसके बाद अगर हम कंपनी के कर्ज की बात करें तो आप देख सकते हैं कंपनी पर लॉन्ग टर्म में 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। हाँ, थोड़ी सी समस्या ये है कि कंपनी के जो रिजर्व्स हैं वो हमें नेगेटिव में अभी दिख रहे हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं 1 रुपये का भी कर्ज कंपनी के ऊपर नहीं है। तो कंपनी लॉन्ग टर्म में भी शॉर्ट टर्म में भी 1 रुपये का भी कर्ज कंपनी के पास नहीं है। एसेट्स अगर हम बात करें तो कंपनी के जो एसेट्स हैं वो पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल डाउन ये आ चुके थे, बट उसके बाद से अभी हमें ठीक ठाक थोड़े इम्प्रूव्ड हमें नज़र आए थे। तो दोस्तों ये जो कंपनी है, मैं बार बार आपको यही बात बोलता हूँ कि आप इस कंपनी को लॉस में बेचने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। वॉल्यूम एनालिसिस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये क्वांटिटी ट्रेड का डाटा है। एक मंथ पहले 18 लाख शेयर्स की एवरेज थी, अभी वो थोड़ी कम होती हुई हमें दिखाई दे रही है। एक वीक एवरेज 16, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है बट हल्की फुल्की इसमें गिरावट हमें नज़र आती हुई दिख रही है। और प्राइस परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं जिसने 3 साल भी इसको होल्ड किया है 1775% के रिटर्न्स आप देख सकते हैं। सालाना 500-550% के रिटर्न्स इसने अपने निवेशकों को कमा कर दिए हैं। तो दोस्तों देखिए कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं या कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं, अब आप FMCG सेक्टर को लगा लो, पिछले 1-1.5 साल से जो FMCG सेक्टर है वो काफ़ी डाउन है, वो इतनी ज़्यादा रिटर्न्स नहीं दे पा रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं दे पा रही हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर आप ये सोचोगे कि हर रोज़ हमारा जो पोर्टफोलियो है वो बढ़ता ही चला जाए, अगर आज हमारे 10% के रिटर्न्स है कल वो 12 हो फिर 14 हो, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आपको टाइम देना पड़ेगा। आप पिछले 1 साल का इस कंपनी की आप हिस्ट्री देखिए, पहले कंपनी इम्प्रूव हुई, देन यहाँ डाउन होती है, देन यहाँ पर बढ़ती है, देन यहाँ डाउन, देन बड़ी, उसके बाद डाउन, फिर थोड़ी सी मूवमेंट आई, फिर डाउन, और अभी फिर मूवमेंट इसमें आती हुई हमें दिखाई दे रही है। तो मीन्स कंपनी का जो नेचर है अप डाउन के साथ थोड़ा वॉलेटिलिटी इस कंपनी में हमें ज़रूर नज़र आ रही है, बट जो कंपनी है वो बिल्कुल भी बुरी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि प्रमोटर्स ने इतनी दिलचस्प इसमें बाइंग उठाई है, तो कुछ बड़ा इस कंपनी में हमें इन फ्यूचर होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो जो भी साथी अगर इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो वो बेझिझक होकर इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा कंपनी को टाइम दीजिएगा, कंपनी आपको अच्छे मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाकर देगी। और जो साथियों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है और हाई लेवल पर बाय किया है तो उनको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी अच्छी है, आपका पैसा आज नहीं तो कल आपको अच्छे रिटर्न जरूर मिलेंगे, थोड़ा वेट कीजिए। और जो साथी लोअर लेवल से इसमें माल उठाकर बैठे हुए हैं तो वो तो मीन्स इसको आराम से बैठे रहें बेटेंशन होके, अभी कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है और प्रमोटर्स ने अच्छी होल्डिंग बढ़ाई है, तो इन फ्यूचर बहुत बड़ा हमें यहाँ इसमें कुछ ना कुछ बड़ा धमाका भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों कुछ साथियों की डिमांड पर लगातार ये मंगलम इंडस्ट्री के बारे में न्यूज़ बोलते थे तो वो मैंने कवर करने की एक पूरी कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।